बाइबल वर्सेस फॉर सक्सेस लाइफ। सफल जीवन के लिए 10 बाइबल वचन। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बाइबल के कुछ ऐसे वचनों को जानेंगे जो कि बहुत ही आशीषित और अनुग्रहकारी होने वाले हैं। वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल ही आशीषित और अनुग्रहकारी वचनों से भरी हुई है, लेकिन उनमें से कुछ चंद वचनों को आप आज इस वीडियो में जानेंगे, जिसको आप रोज पढ़ोगे तो आपका जीवन एक सफलतापूर्वक जीवन हो जाएगा। वीडियो को अंत तक पूरा सुने और शेयर जरूर करें। तो आइए वचनों की ओर हम बढ़ते हैं। नीति वचन 16:3 में दिया गया वचन है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यह वचन हमें संकेत देता है कि हमें अपने कार्यों और योजनाओं को परमेश्वर के सामर्थ्य पर छोड़ देना चाहिए। जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने कार्यों को सौंपते हैं तो वह हमारी कल्पनाओं को साकार होने में सहायता करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ सहयोग करना चाहता है और हमारी योजनाओं को सिद्ध करने में सहायता करने को तैयार है। जब हम उसे विश्वास और आज्ञानुसार चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है जो उसके आदेशों के अनुसार होती है। 1 राजा 2:3 में दिया गया वचन है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। यह वचन बताता है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा द्वारा सौंपे गए सब कुछ की रक्षा करके और उसके मार्गों पर चलकर उसकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों और चेतौनियों का पालन करते रहना चाहिए। हमें मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए जैसे उसमें लिखा है। यह हमें यह दिखाता है कि जब हम परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं तब हमारे सभी कार्य सफल होते हैं, चाहे हम कुछ भी करें और कहीं भी जाएं। लूका 16:10 में दिया गया वचन, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यह वचन हमें बताता है कि व्यक्ति की छोटी छोटी कार्यों में भी उसकी सच्चाई या अधर्म का पता चलता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में सच्चा है वह बड़ी चीजों में भी सच्चा होगा। उसके विश्वास योग्यता और नैतिकता छोटी स्थितियों में भी दिखेगी। वह व्यक्ति जो थोड़े थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी होगा। इसलिए हमें छोटी छोटी कार्यों में भी सच्चाई और नैतिकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यशायाह 41:10 में यह वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा संगी है और हमेशा हमारे पास है। हमें अंधाविश्वास से दूर रहना चाहिए और उसकी ओर ध्यान न देकर इधर उधर न भटकना चाहिए। परमेश्वर हमें सबल बनाए रखेगा और हमारी सहायता करेगा। उसके धर्म के अनुसार हमारे दाहिने हाथ से वह हमें संभालेगा। हमें इस वचन पर आश्रय लेकर परमेश्वर की ओर भरोसा रखना चाहिए। यिर्मयाह 17:7 में दिया गया वचन है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यह वचन हमें धन्य बताता है कि वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसे अपना आधार मानता है वह धन्य है। इस वचन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उसे ही अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को धन्य माना जाता है क्योंकि वह उनके विधानों और मार्गों पर चलता है और उनकी देखभाल में रहता है। यह वचन हमें परमेश्वर के वचनों पर आश्रय लेने और उसके पर निर्भर रहने की प्रेरणा देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। God bless you all.